सोच अगर पक्की हो तो तिनका भी तलवार में बदल सकता है। यूं तो ये एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन किसी छोटी मोटी फिल्म का नहीं। ये डायलॉग उस फिल्म का है जिसने साउथ सिनेमा के साथ ही उसमें काम करने वाले अभिनेताओं को भी दुनिया भर में मशहूर कर दिया था। बात बाहुबली की हो रही हो और प्रभास का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अपनी धांसू आवाज़ और शानदार पर्सनैलिटी से फिल्म के डायलॉग्स को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने वाले प्रभास का ये डायलॉग उनकी ज़िंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। 23 अक्टूबर 1979 को एक फिल्मी परिवार में जन्मे प्रभास को फिल्मों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। ताज्जुब की बात है कि बचपन से ही फिल्मों से जुड़े रहने वाले लोगों के बीच रहने के बावजूद प्रभास का मन सिनेमा में ना होकर बिजनेस की ओर दौड़ता था। अभिनेता शुरू से ही अपना बिजनेस खोलकर उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। प्रभास की मर्जी नहीं थी तो क्या हुआ, भगवान की थी। प्रभास ने अचानक अपने बिजनेसमैन बनने के सपने को छोड़कर अभिनेता बनने की क्यों ठानी, इसके पीछे भी एक कहानी है। बिजनेसमैन बनने का सपना लिए बड़े हुए प्रभास की ज़िंदगी को बदलने का काम उनके चाचा ने किया था। दरअसल अभिनेता के चाचा एक फिल्म बना रहे थे जिसके हीरो में प्रभास एकदम फिट बैठते थे। ऐसे में चाचा ने मिन्नतें करके प्रभास को मनाया और कुछ इस तरह अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत की। प्रभास ने साल 2000 में रिलीज़ हुई फिल्म ईश्वर से डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म कमाल दिखाने में असफल रही। हालांकि अभिनेता की दूसरी फिल्म वर्षम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करने में कामयाब रही थी। इसके बाद प्रभास ने बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया, जिसमें से कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप। हिट और फ्लॉप का ये सिलसिला चल ही रहा था कि प्रभास को एसएस राजमौली के फिल्म बाहुबली का ऑफर मिला। इस फिल्म को साइन करने से पहले अभिनेता के सामने एक शर्त रखी गई थी, जो ये थी कि 5 साल तक वो किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। प्रभास ने इस शर्त को कबूल करने का रिस्क उठाया और बाहुबली बनकर पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया। ये प्रभास के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसने उन्हें नई ऊंचाइयां दी और वो देश ही नहीं विदेश में भी मशहूर हो गए। 5 साल तक कोई भी फिल्म साइन न करने की वजह से प्रभास को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन बाहुबली और बाहुबली 2 की सक्सेस ने सब ठीक कर दिया। बाहुबली और बाहुबली 2 फिल्मों ने न केवल प्रभास के करियर को बल्कि उनकी निजी जिंदगी को भी खूब प्रभावित किया। प्रभास अचानक से देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन गए। बाहुबली की चाल ढाल, रंग रूप और राजाओं जैसे आचरण से प्रभावित होकर पूरे देश भर से तकरीबन 6000 लड़कियों ने प्रभास को शादी के प्रस्ताव भेजे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रभास को बाहुबली 2 की सफलता के बाद 6000 लड़कियों से प्रस्ताव मिले, लेकिन अफसोस अभिनेता ने उन सभी का दिल तोड़ दिया। प्रभास आज भी अकेले ही जिंदगी गुजार रहे हैं।